छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि शक्ति से लड़ रहे हैं का मतलब हमारे पीएम मोदी से है जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं और उनके सामने राहुल गांधी की बिसात ही क्या है। जिस तरीके से उनके पूरे परिवार ने पूरे देश की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा उसके बावजूद भी उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, जनता इसका हिसाब लेगी। शक्ति से लड़ रहे मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है और उनके सामने में राहुल गांधी की बिसात ही क्या है। उन जिस तरीके से उनके पूरे परिवार ने पूरे देश की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा उसके बावजूद भी आज उनको अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे राज्य में भागना पड़ रहा है परंपरागत सीट से छोड़ करके, तो ये तो किस तरीके से जनता एक एक उसका हिसाब ले रही है और ये हिसाब लगातार जारी रहेगा। पूरे देश की जनता कहते हैं कांग्रेस पार्टी से एक एक सीट का हिसाब लेगी। देखिए ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है और कांग्रेस हारती है तो ईवीएम खराब। अरे भाई आपके नेता खराब है, आपकी पार्टी के विचारधारा खराब है, लोग खराब है, तो जब हारते हो तो जनता को दोष देना चालू करते हो, ईवीएम को दोष देना चालू करते हो, तो दोष देना छोड़िए, लोगों के विकास के लिए आगे आइए। और जहां तक आप बाकी जो एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, ये वही एजेंसियां हैं जब यूपीए की आपकी गवर्नमेंट थी तब आपके साथियों दल को आप लोगों ने उनके ऊपर जांच बिठाया था और आप कहते हैं कि क्या कहते हैं हमने क्यों किया। ये तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं और ये लगातार जो भी कहते हैं गैरकानूनी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये पूरे देश की मंशा है।